हेलमेट फिर से सेल आ गया। उसके बाद ईबे के एक, एक शॉपिंग का जो ऑफर है हाँ, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है कुछ पैसा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डेबिट कार्ड, पेटीएम का जो डेबिट कार्ड है दोस्तों, सिर्फ 35 रुपीज़ में 125 का डेबिट कार्ड आप टाइप का एक ऑफर के बारे में बात करूंगा। तो एंड तक वीडियो को देखिए, आपको फायदा होगा और अच्छा लगेगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये देखो एक पहला जो ऑफर है थ्रूम के तरफ से होता है, हर महीना ये फ्लैश सेल देता है। आप लोग जानते हो मेरा जो एक्टिव यूजर है, मैं मुझे जो फॉलो करता है वो लोग जानते हो कि थ्रूम फायदा होगा और अच्छा लगेगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये देखो एक पहला जो ऑफर है थ्रूम के तरफ से होता है, हर महीना ये फ्लैश सेल फायदा होगा और अच्छा लगेगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये देखो एक पहला जो ऑफर है थ्रूम के तरफ से होता है, हर महीना ये फ्लैश सेल देता है। आप लोग जानते हो मेरा जो एक्टिव यूज़र है, मैं मुझे जो फॉलो करता है वो लोग जानते हो कि थ्रूम हेलमेट जो देता है बहुत बार हर महीना ये वीडियो मैं कोशिश करता हूँ चलाने का हाँ मेरे चैनल में। तो 11 अप्रैल को, इस बार 11 अप्रैल को 11 बजे से ये ऑफर शुरू होगा। 11 अप्रैल को 11 बजे से 11 AM से शुरू होगा, 3-4 बजे तक रहता है। और इस बार प्राइस जो है 79 रुपीज़, थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों 79 रुपीज़ पर। हेलमेट के हिसाब से 79 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग पहले भी ले चुके हो आप लोग जानते हो दोस्तों। तो आप लोगों को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्क्रिप्शन में इस टाइप का ये जो लिंक है ना, इसका लिंक मैंने दे दिया, उसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके इस टाइप का आएगा। तो नेम, एक ईमेल आईडी और एक न्यू फ़ोन नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ओके, लॉगिन जब कर लोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट हो गया। उसके बाद जो 11th जो अप्रैल होगा, तब 11 बजे से आप ओपन करोगे, तो मेनी टाइम आपको वो जो प्रोडक्ट जो है कार्ट करना पड़ता है। पहले आपका जो पिन कोड है वो देना पड़ेगा, उसके बाद कार्ट करके, प्रोडक्ट को कार्ट करके आप जो है ले सकते हो। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार 3 बार। और एक टिप्स बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ATM कार्ड से पे करोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये प्रोडक्ट आ जाए, पर ATM कार्ड से नहीं करोगे तो PTM से करोगे तो पैसा रिफंड दे देता है दोस्तों, पैसा आप लोगों को नहीं मरेगा। तो ये एक पहला ऑफर था। उसके बाद दूसरा जो ऑफर है मेरे पास है दोस्तों, ये ईबे के तरफ से, ईबे जो एक वेबसाइट है, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, लार्जेस्ट वेबसाइट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेबसाइट है ईबे है, जो वर्ल्ड में भी चलता है। तो ये ईबे में आपको टोटल 500 का शॉपिंग करोगे तो टोटल 187 रुपीज़ का, 87 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 85 रुपीज़ का, 185, करीब करीब 200 के करीब आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ईबे का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कैसे क्या करना है, पूरे प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ebay.in ओपन करने के बाद, ebay.in या एप्लीकेशन में भी कर सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर बस एक नाम, एक आपका नाम टाइटल, उसके बाद एक ईमेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिर भी आप अच्छा खासा ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि ये तो शॉपिंग का वेबसाइट है इसलिए। तो उसके बाद पासवर्ड का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर साफ साफ दिखाएगा, पहले आप लेटर दीजिए हाँ, ABCDEFG 6 या 6 से ज़्यादा। उसके बाद एक जो होता है ना @ जो होता है, हैश होता है, इस टाइप का एक सिंबल दीजिए, एक सिंबल दीजिए कोई भी। उसके बाद एक नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे भी ये मतलब पासवर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, पहले लेटर दे रहा हूँ, उसके बाद देखो कोई भी एक आपके सामने दे रहा हूँ, ये देखो कोई भी एक वर्ड जो होता है, जो @ हैश डायल कुछ भी दे सकते हो आप। उसके बाद एक नंबर, इस टाइप का आप करोगे तो आपका जो है अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप ये अकाउंट को एडिट करके आपका नंबर वगैरह वो सब एड्रेस वगैरह दे सकते हो। ओके, तो अब मैं जो आपको दिखा देता हूँ, जब लॉगिन होगा तो इस टाइप का आप कुछ भी यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट में अवेलेबल है, पर 499 से ज़्यादा होना पड़ेगा वो प्रोडक्ट, मतलब 500 का। जैसे कि ये देखो, ये 525 रुपीज़ है, ओके 525 रुपीज़ है। इसमें डायरेक्ट ईबे से आपको 150 रुपीज़ का, 150 का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आप पे करोगे फ़ोनपे से तो आपको पर 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ करके कैशबैक मिलेगा, मतलब टोटल 187 का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कैसे आपको यहाँ पर ये जो ऑफर है ना, जब ये देखो व्यू ऑफर्स, जब व्यू ऑफर्स में आने के बाद ये देखो साफ साफ यहाँ पर ऊपर में 150 रुपीज़ डिस्काउंट का एक कूपन है,
बस आपको इस कूपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक कूपन मैं, ये कूपन जिसको नहीं मिलेगा तो मैं एक कूपन न्यू दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो कूपन भी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। ये देखो ये यहाँ पर डिस्काउंट डायरेक्ट 150 रुपीज़ का हो गया, पर न्यू यूज़र होना चाहिए, न्यू अकाउंट। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों आप यहाँ पर ऑर्डर जो कार्ट कर लीजिए या बाई नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि लॉगिन मैंने पहले से नहीं किया था, क्रोम ब्राउज़र से मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्रोम ब्राउज़र से अच्छा होता है, या आप एप्लीकेशन यूज़ करके भी आप कर सकते हो, ईबे का जो एप्लीकेशन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ये चीज़ बता देता हूँ, ईबे एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिसने अभी तक शॉपिंग नहीं किया आप नहीं जानते हो। ये देखो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको प्राइस कितना है वो आप ख्याल कीजिएगा। उसके बाद आप फिर से जो है आप चाहो तो फिर से ये बैक करके उस ऑफर को फिर से आप जो है एक्टिव कर सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रोसीड टू पे में जाके वहाँ पर प्राइस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो यहाँ पर देखो टोटल मेरा जो है यहाँ पर सब सब दिखा रहे 375 आपको पे करना पड़ेगा। तो आप जो है प्रोसीड टू पे में आप जब क्लिक करोगे दोस्तों तो 375 में आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 525 रुपीज़ का प्राइस था, 150 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट मिला ईबे के तरफ से। आप दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन में आप फोन पे जो होता है ना, फोन पे भीम यूपीआई फोन पे, ये फोन पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। फोन पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फोन पे का एक ऑफर है ईबे के तरफ से कि आप मैक्सिमम 50 का कैशबैक आपको मिलेगा पर 10%, मतलब आप 10 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, 200 रुपीज़ में 20 रुपीज़, 300 रुपीज़ में आपको 30 रुपीज़, मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक आपको। तो यहाँ पर 375 इसका प्राइस है, तो आपको 300 का 30 रुपीज़ कैशबैक, उसके बाद 75 का आपको 7 रुपीज़ का, टोटल 170 आपको टोटल कैशबैक मिलेगा 337 का। पर आपको दोस्तों यहाँ पर टोटल 187 का आपको टोटल डिस्काउंट मिल गया। हाँ, तो ऐसे करके आप कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो, और ईबे का प्रोडक्ट का वैल्यू 500 तो 500 ही होता है उसका वैल्यू। हाँ, अच्छा प्रोडक्ट होता है, पेटीएम मॉल के जैसा नहीं है। तो इस टाइप का ऑफर था। उसके बाद जो थर्ड जो ऑफर है मेरे तरफ से, मेरे को आया है मैं ये पेटीएम के तरफ से दोस्तों, ये ऑफर पेटीएम के तरफ से जो है, पेटीएम में आप डेबिट कार्ड जो आप पता है आपको, जिसने पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कर चुके हो दोस्तों, तो एटीएम कार्ड जैसे स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड होता है, दूसरा बैंक का एटीएम कार्ड होता है, नॉर्मली पेटीएम का भी एटीएम कार्ड होता है जो आपके घर में डायरेक्ट आ जाएगा और आप एटीएम में यूज़ कर सकते हो उस पेटीएम पेमेंट बैंक का एटीएम को। आप पेटीएम पेमेंट बैंक आपको बैलेंस है तो उसको एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे है, बैंक का ऑप्शन में आ जाइए, कैसे लेना है। बैंक का ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों ये देखो यहाँ पर बोल रहा है डेबिट एंड एटीएम कार्ड, डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन है, जिसको जिसका ऑलरेडी केवाईसी किया है और पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन है उसके लिए ये ऑफर है। उसके बाद दोस्तों ये देखो यहाँ पर बोलेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट कार्ड, आप रिक्वेस्ट कार्ड तो यहाँ पर एक सब सब बता देता हूँ दोस्तों। आप मैंने एक वीडियो डाला था पहले, जो वीडियो मैंने 1 रुपीज़ UPI से आप सेंड करोगे तो आपको 1 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। आप जितना दिन में सेंड करोगे उतना ही आपको 7 डेज के बाद कैशबैक मिल जाएगा दोस्तों, 1-1 रुपीज़ करके जितना ट्रांजेक्शन करोगे। हाँ, तो दोस्तों उसमें क्या है कि मैंने दिखाया था SBI से मैंने ट्रांसफ़र किया, पर SBI से करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जिसको पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन किया है जिसने, और पेटीएम पेमेंट बैंक से जिसने दूसरा कुछ भी बैंक में आप सेट किए हो 1 रुपीज़ करके, उसको ही कैशबैक मिलेगा दोस्तों। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने वहाँ पर थोड़ा गलती से दिखा दिया था। हाँ, तो पर दोस्तों आप चीज़ याद रखिएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक से आप पेटी आपके पास कोई दूसरा बैंक तो होगा ज़रूर, तो उससे भी आप उसको मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक से, पेटीएम पेमेंट बैंक के UPI से उस बैंक में ही सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट कार्ड में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एड्रेस देने के लिए बोलेगा, आपको कोई भी एड्रेस देने के लिए बोलेगा, तो आप न्यू एड्रेस में क्लिक करके या एड्रेस को एडिट कर सकते हो या न्यू एड्रेस दे सकते हो। यहाँ पर एक हाउस नंबर बोलता है, तो कुछ भी हाउस नंबर दे सकते हो। ओके, कुछ भी हाउस नंबर 1234 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो एड्रेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर 125 रुपीज़ टोटल आपको पे करना पड़ेगा, आपका वॉलेट में दोस्तों 125 आपको पे करना पड़ेगा। तो आप कैसे पे करोगे दोस्तों, 120 ऑफर जो है वो है कि आपको 125 का आप जो है आप 125 का आप ये लोगे प्रोडक्ट तो आपको पेटीएम के तरफ से, खुद पेटीएम के तरफ से 60 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा इस कार्ड से 7 डेज के अंदर। ओके, ये पेटीएम के तरफ से ऑफर है। पर हम लोग 35 रुपीज़ में कैसे लेंगे, जैसे कि आप
ये ऑफर भी जानते हो कि यूपीआई तरफ से आप पेमेंट के ऑप्शन में आप जाके यूपीआई सेलेक्ट कीजिए। यूपीआई में हर दिन आप फास्ट पेमेंट करोगे, हर 24 आवर में आप फास्ट पेमेंट करोगे तो आपको 60 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा यूपीआई में। तो दोस्तों यूपीआई से आप यहाँ पर पे करोगे, यूपीआई से आपका जो ये पेटीएम का यूपीआई है, ये जैसे कि 1234567 8 एट द रेट पेटीएम, ये जो यूपीआई आईडी है उससे आप पे करोगे इस पेटीएम जो एटीएम कार्ड है दोस्तों, इसको पे करोगे तो आपको पेटीएम की तरफ से 7 डेज में जो पैसा 65 रुपीज़ है वो तो कैशबैक मिलेगा ही, 60 रुपीज़। उसके बाद साथ साथ ये 3 डेज में या 4 डेज में ये पैसा भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो 30 रुपीज़। तो टोटल 35 रुपीज़ में एक डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, तो ये अच्छा है। और एटीएम कार्ड दोस्तों कभी भी आपको लग सकता है और अच्छा भी लगता है, मेरे पास एक एटीएम कार्ड है तो ये भी ऑफर अच्छा है। तो फोर्थ जो ऑफर है मेरे पास न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, ये है कि पेटीएम मॉल की तरफ से आप साफ साफ पेटीएम मॉल का जो एप्लीकेशन है उसमें प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो कि आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फास्ट जो ऑर्डर करेगा, जो न्यू अकाउंट होना चाहिए फास्ट, जिसने अभी तक पेटीएम मॉल से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, दोस्तों पेटीएम मॉल ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आप टोटल 1 2 3 4 प्रोडक्ट लेके 1500 रुपीज़ का टोटल प्रोडक्ट होना चाहिए, एक प्रोडक्ट एक बार ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 प्रोडक्ट 1500 रुपीज़ का हो जाएगा या 1500 रुपीज़ से ज़्यादा का हो जाएगा कार्ड वैल्यू, तो आप जो है डायरेक्ट वहाँ पर WELC 500 ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, ओके WELC प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको 500 का कैशबैक टोटल मिलेगा, 1500 रुपीज़ में 500 का कुछ भी प्रोडक्ट में आपको चलेगा दोस्तों। हाँ, तो ये ऑफर है, अच्छा है, पर न्यू यूज़र के लिए चीज़ याद रखिए।